तो हे फ्रेंड्स, आज फिटनेस फाइटर के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ वर्कआउट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करके मेरे को बोल रहे थे कि सर इसके रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो मैं उस रिलेटेड अभी वीडियो कवर करूँगा। और रही बात आज क्या क्या चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ इस वर्कआउट को करने के लिए, और मैं कहाँ पर जाके वर्कआउट कर रहा हूँ, सब मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाता हूँ। और क्या एक्सरसाइज करने वाला हूँ ये भी आपको आगे पता चलेगा। टिल देन दोस्तों, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर और भी जानकारी मेरे बारे में जानना चाहते हो तो। तो दोस्तों, ये मैट को मैं लेके जा रहा हूँ, और गेस करके बताना मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं घर से निकल गया हूँ, अभी जा रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड को पिक कर रहे हैं और वो कैमरा करेगा, इसलिए मैं अकेले नहीं कर सकता कैमरा, इस कारण मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। चलिए चलता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ और कौन है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं निकल गया हूँ। हाँ तो फिलहाल अभी मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ आनंद के बिल्डिंग के वहाँ, मतलब मेरे फ्रेंड का नाम आनंद है, मेरा आनंद आ गया है, ये आ गया है, ये कैमरा करेगा आज और मेरी हेल्प करेगा इसमें। तो आज चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ तो एक काका ने गेट खोल दिया, गेट लॉक हो गया था गार्डन का, फिर भी मेरी हेल्प के लिए काका ने गेट खोला है। तो मैं इनसे 15 से 20 मिनट मांगा हूँ ये वर्कआउट करने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है 15-20 मिनट में आप कर लो, फिर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे नौकरी पे प्रॉब्लम होगा। तो यही वो गार्डन है जहाँ हम शूट करने वाले, कोई नहीं है, बस यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। हाँ तो ये देखो काम चालू है पूरा गार्डन का। काका ने तो अंदर आने दे दिया, तो अभी उसका फ़ायदा उठाया जाए और वर्कआउट किया जाए। तो हम कहाँ पे वर्कआउट करने वाले, सोच रहा हूँ ग्रास में करूँ या वहाँ पे करता हूँ। यहाँ लोगों को बैठने के लिए बनाया हुआ है शेड, क्योंकि बारिश के टाइम पे लोगों को छुपने के लिए बनाया है वो, और योगा वर्कआउट्स वगैरह करने लोग यहाँ पे आते हैं, डांस प्रैक्टिस करने आते हैं यहाँ पे। ये यह हमारे घर के कुछ दूरी के पास में ही है गार्डन है, तो सारे लोग यहाँ पर आके वर्कआउट्स करते हैं, मॉर्निंग वॉक सारी चीज़ यहाँ पे होते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैं काफ़ी टाइम से जो भी वर्कआउट्स करना होता है मैं यहीं आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शांति होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चलते हैं, हम वर्कआउट करते हैं। लोअर बैक के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोअर बैक के फैट को कैसे आप निकाल सकते हो, क्या एक्सरसाइजेज़ है उसकी, तो मैं वो एक्सरसाइजेज़ आपको करके बताऊंगा। और जिनको बैक पेन हो रहा है उनके लिए भी ये एक्सरसाइजेज़ है, लोअर बैक के पेन से आप रिलीफ पा सकते हो ये एक्सरसाइज करके। मैं कुछ बड़ा एडवांस लेवल का नहीं बता रहा हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ही ये एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं वर्कआउट पे। दोस्तों, ये मैट जो है मैंने अमेजोन से लिया था, अगर आप लोग को भी चाहिए रहेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा आप लोग के लिए, आप ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता है।
आई थिंक सो 300 to 500 रुपीज़ का है ये, लगभग 2 साल हो गए इसे लिए, अभी भी ऐसा ही है। तो आप भी इसे ले सकते हो कहीं आप पार्क वगैरह में वर्कआउट करने जा रहे हो तो। हाँ तो फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज में करने वाला हूँ, जिन्हें बैक पेन है वो भी कर सकते हैं, इनको लोअर बैक का फैट लॉस करना है वो भी इस वर्कआउट को कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आप लोगों को क्या क्या वर्कआउट कर रहा हूँ सारे आप लोगों को बताता हूँ, और आप ज़रूर इस वीडियो को देखना, एंड तक बने रहिए वीडियो में। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोग बता देता हूँ, आपको फुल बॉडी स्ट्रेट रखना है, आपको ऐसे बैक को स्पाइन रखना है एकदम, एंड फिर ऐसे डाउनवर्ड जाना है आपको स्ट्रेट, फिर से आपको अप आना है 5 सेकंड के बाद। तो आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है एंड फिर आपको अप आना है। 15, 12, 10 रेपिटेशन का आप शेड्यूल बना लीजिए और उस टाइप से आप अप रेप्स कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपको लेग लिफ्ट करना है आपको सोकर। और रही बात दोस्तों, जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो आप 5 सेकंड का होल्ड रखिए, आप लेफ्ट साइड का कर लिए तो राइट साइड का भी उसके बाद अल्टरनेट करिए, उसमें भी आपको सेम टेक्निक का ही यूज़ कर, एंड इसे भी आप सेम रेपिटेशन के हिसाब से कर सकते हो सेट के हिसाब से। जैसे फर्स्ट सेट में आप 15 रेपिटेशन किए, 12, 10 ऐसे करके आप इसे कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कम रेपिटेशन करिए, लेकिन इसके बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे, ट्राई करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देख के समझ ही गए रहोगे कैसे करना है इसमें, लेकिन स्टेप क्या है फॉलो करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप अपने बॉडी को ऊपर की तरफ स्पाइन बेंड करते हो तो वो टाइम पे आपको काफ़ी स्लोली करना है, एंड ऊपर आते वक्त आपको 5 to 10 सेकंड का होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद जितने स्लो से आप ऊपर की तरफ आए उतने स्लो से ही आपको नीचे की तरफ जाना है, तो ही आपके लोअर बैक में फील आए। ऐसे ही इस स्टेप को भी फॉलो करना, एंड दोस्तों इसे भी सेम सेट की तरह आप लोगों को करना है 15, 12, 10 रेपिटेशन। जिनको लोअर बैक में पेन है दोस्तों, उनके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो वो घर पे कर सकते हैं, जिन्हें लोअर बैक का फैट लॉस करना है। तो एक्सरसाइज क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आइए चलते हैं, मैं वर्कआउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। We're about to turn it on.
इसमें आप लोग करना क्या रहेगा, आप लोग ने देख ही लिया है कि किस तरीके से करना है ये चीज़। स्लीपिंग में करते हो तो बहुत ज़्यादा ही आपके लोअर बैक पे प्रेशर आता है। जिन्हें बैक पेन होता है उनके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। जो ये एक्सरसाइज मैंने अभी बताया है आप लोगों को स्टैंडिंग, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिन्हें लोअर बैक में पेन है। आपका लोअर बैक पे फैट है तो आप धीरे 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 करके आप उसे निकाल सकते हो। हे फ्रेंड्स, तो इस एक्सरसाइज में मैंने क्या किया, इस एक्सरसाइज में मैं सीधा लेट गया मैट पे, एंड मैट पे आपको हाथ को और पैर को दोनों इक्वल पोजीशन में आपको ऊपर की तरफ लाना है। आपको 5 सेकंड का होल्ड रखना है, देन फिर से आपको स्लोली डाउनवर्ड्स जाना है एंड वापस ऐसे सेम कंटिन्यू करना है। इसे आप 15-12-10 रेपिटेशन करिए, 3 सेट में इसे करिए, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को मैं अपने प्रेप के टाइम किया हूँ दोस्तों, सचमुच ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। अरे भाई मेरा मैट फट जाएगा, ये क्या कर रही है देखो। म्याऊं, मैट क्यों फाड़ रही है? अरे ये अरे 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 अरे, चलो ये गुस्सा है, ये आ गई हम लोग के साथ ये भी वर्कआउट करने मैट पे। ये काफ़ी अच्छा गार्डन था और यहाँ से ही मैंने शुरुआत की थी अपने YouTube चैनल की। आज यहीं पे हूँ मैं, यहाँ से ही वर्क करते रहता हूँ। ये सारे एक्सरसाइज आप लोगों को बता दिया लोअर बैक के, और जिन्हें पेन है वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं बताया हूँ वो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन लोअर बैक के पेन वाले लोगों के लिए भी मैंने एक्सरसाइज बताया है, तो बेझिझक आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे तो दोस्तों भाई लोग आप लोग के लिए वीडियो आ गया है, तो ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। एंड दोस्तों ऐसे में वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, कोई भी दिक्कत रहेगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। टिल देन दोस्तों स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।